हे गाइस, माय नेम इज सुल्तान, माय नेम इज मलाइका और आप देख रहे हैं मी वर्सेस यू ऑफिशियल। भाई हमारी यूट्यूब फैमिली ने बहुत ज्यादा जो वोट दिए हैं वो BTS को दिए, क्योंकि मैंने एक पोस्ट डाली थी कि जो बॉलीवुड सब्सक्राइबर है वो इंस्टाग्राम पे मैसेज करके ये पूछ रहे हैं कि अब आप बॉलीवुड पे रिएक्शन देंगे या नहीं देंगे। ब्लैकमेल जो है वो कर रहे हैं वो, कि आप अगर रिएक्शन देंगे बॉलीवुड पे तो हम जो है वो लिंक्स आपको देंगे, अगर आप नहीं देंगे तो हम आपको लिंक्स प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो मैंने ये पोस्ट इसलिए डाली थी यूट्यूब पे कि एक तरफा फैसला हो जाए, क्योंकि देखिए हमने वहाँ जाना है, उन सब्सक्राइबर के साथ जाना है जिनकी रिकमेंडेशन ज़्यादा से ज़्यादा होगी और वोट ज़्यादा होगी, ठीक है ना। तो अब ऐसा नहीं है कि BTS के जो है वो बहुत ज़्यादा वोट है, बॉलीवुड के हैं नहीं वोट, तो हम बॉलीवुड के साथ चले जाएं, BTS फैमिली हमारी जो है वो रह जाए या नाराज़ हो जाए या किसी के दिल में कोई बात ना रह जाए। तो इस वजह से ये वीडियो शुरू करने से पहले, रिएक्शन वीडियो शुरू करने से पहले इस चीज़ को क्लियर कर देना ज़्यादा ठीक है। तो मैंने जो है वो ये आज सोचा हुआ था, मेरा नहीं ये बात जो है वो आप लोगों से की जाए कि बॉलीवुड सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं कि आप बॉलीवुड पे नहीं जा रहे हैं, आप BTS के ऊपर ही हैं, और BTS सब्सक्राइबर कह रहे हैं कि आप बॉलीवुड पे ना जाएं और BTS पे ही आप रिएक्शन दें। BTS भी ठीक है पर BTS के लिंक्स कितने आ रहे हैं हमारे पास? आप यकीन करें BTS के, अगर मैं आपको एक लमसम बता दूँ ना, अगर मैं आपको एक BTS के लिंक्स के बारे में, तो डेली बेसिस पे लिंक्स इतने हैं कि हमें खुद भी जो है ना याद नहीं है कि कौन किस सब्सक्राइबर ने कितने लिंक हमें भेजे हैं। एक सब्सक्राइबर बार बार मैसेज करके हमें ये याद दिला रहा है कि मैंने आपको लिंक भेजा था, आपने अभी तक रिएक्ट नहीं किया। तो फिर हम जो है वो दोबारा उस चीज़ को, जब उस फाइल को ओपन कर देना हमें पता चलता है ये जो है वो लिंक हमारा रह चुका है। तो हम करते क्या है, हम करते ये हैं कि जो लिंक आप प्रोवाइड हमें करते हैं इंस्टाग्राम पे या कमेंट में या फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे, जो लिंक आप हमें देते हैं तो वो लिंक को हम वहाँ से कॉपी करके अपनी गैलरी पे पेस्ट कर देते हैं, जो हमारी अपडेट रिएक्शंस की जो गैलरी है जिसमें हमें जो है वो डेट के साथ हमने वहाँ पर कोड किया हुआ है कि इन पे हमें जो है वो रिएक्शन देना है, तो वो वहाँ पर हम पेस्ट कर लेते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी गैलरी भी आउट ऑफ ऑर्डर हो जाती है, तो वो वहाँ से पेस्ट करना हम भूल जाते हैं या हम ये सोचते हैं बाद में कर लेंगे लेकिन वो याद नहीं रहता, तो उसके लिए बहुत बहुत माजरत, बहुत बहुत सॉरी। और अब लिंक्स इतने हैं हमारे पास, बॉलीवुड के भी बहुत लिंक्स हैं, बॉलीवुड के भी बहुत लिंक्स हैं, बॉलीवुड की मूवीज भी हमारी भी आउट हो जाती है बिल्कुल, बॉलीवुड के मूवीज के भी लिंक्स हैं, बॉलीवुड सॉन्ग्स के भी लिंक्स हैं, और साउथ की मूवीज के भी लिंक्स हैं, कपिल शर्मा के शो के भी लिंक्स हैं। मैं आपको मोटे मोटे वो बता रहा हूँ, कपिल शर्मा ने शुरू नहीं किया, कपिल शर्मा की पूरी पूरी एपिसोड्स के लिंक है, मैं आपको क्या बताऊँ, अभी तो शुरू नहीं किया हमने कपिल शर्मा, कपिल शर्मा के लिंक्स हैं और BTS के तो है ही, एज़ यूज़ुअल BTS के इतने लिंक्स हैं कि लाइव परफॉर्मेंस हो या रिकॉर्डेड सॉन्ग हो, ईच एंड एवरीथिंग, बहुत लिंक्स हैं उसके। पर पाकिस्तानी मूवीज हैं, साउथ की मूवीज हैं, पाकिस्तानी मूवीज के सॉन्ग्स के ऊपर जैसे जैसा टाइम मिल रहा है हम वैसे वैसे काम। अब देखें, एक मैंने आपको पहले भी कहा था कि 24 घंटे में आप लोगों के लिए दो वीडियोस ऑन एयर हो रही हैं, ये बात मैंने पहले वीडियोस में भी बोली थी और आज मैं फिर इस बात को जो है वो मेंशन कर रहा हूँ कि और आप लोगों के लिए एक दिन में दो वीडियोस अपलोड हो रही हैं, ऑन एयर हो रही हैं, 24 आवर्स के अंदर अंदर आप लोगों के लिए दो वीडियोस ऑन एयर हो रही हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि ये आप लोगों को इस पर खुश होना चाहिए, मैं नहीं समझता कि आपको कोई रिएक्शन चैनल जो है वो एक 24 घंटे के अंदर दो वीडियोस आपको देगा, तो वो भी वो वीडियो जो आप चाहते हैं, वो वीडियो जो आप चाहते हैं जिस पे आपको रिएक्शन चाहिए, वो वीडियोस आपके लिए ऑन एयर हो रही हैं। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात है, नहीं तो मैं बहुत बड़ी कोई बात नहीं बोलता, दूसरे रिएक्शन चैनल्स पर आप आ जाएँ घूम के, अगर आपको ऐसा रिस्पांस मिल जाए जो रिस्पांस आपको इस चैनल पे मिल रहा है, या कोई सब्सक्राइबर ऐसा हो जिसे रिस्पांस फौरन नहीं मिलता हो या उसके लिंक्स पे जो है वो फौरन रिएक्शन ना मिलता हो, तो आप बिल्कुल कमेंट करके बताएं, पर मिलता जरूर है। मैं ये समझता हूँ कि ज्यादा भी टाइम अगर लगता होगा ना तो वो 3 दिन का टाइम या 4 दिन का टाइम लगता होगा, आपको रिएक्शन मिल जाता है। और जिस वीडियो में हडल्स हमें आती हैं या कॉपीराइट इशू होता है या कोई भी इशू होता है तो वो पोस्ट करके भी आप लोगों को बता दिया जाता है कि इसमें ये इशू है। और अभी कुछ दिनों पहले
लाइफ गोज ऑन एक वीडियो थी, काफी सब्सक्राइबर थे बीटीएस के, उस पर आप रिएक्ट करें। हमने रिएक्ट कर दिया था और वो वीडियो ऑन एयर हो भी चुकी थी, लेकिन वो यूट्यूब की पॉलिसीज की वजह से उसको होल्ड कर दी गई, यूट्यूब की तरफ से, हमारी तरफ से नहीं, यूट्यूब की तरफ से उसको होल्ड किया गया। लेकिन वो ऐसा ऐसा जैसे उसके मामला जो है, वो लाइसेंस हमने वहाँ भेजा हुआ था तो वहाँ से हमें इशू हुआ, तो वो आप लोगों के लिए ऑन एयर हुई। तो ये सारी बातें क्लियर करने का मकसद ये है कि ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आप कमेंट में इंस्टाग्राम पे बार बार यही बात पूछते हैं, तो ये एक वीडियो पे रेफरेंस है, आपको जो है वो एक बात क्लियर हो जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है कि आप लोग पे ये नाराज़ हो जाए कि वो क्यों नहीं है और ये क्यों नहीं। देखिए मैंने लिंक, मैंने जो है वो पोस्ट डाल दी, मैंने पोस्ट डाल दी है, मैंने कहा जिसके वोट ज़्यादा होंगे उस पर रिएक्शन दिया जाएगा। तो अभी तक की जो टाइम लाइन है उसके हिसाब से BTS के जो वोट हैं वो ज़्यादा हैं, और बॉलीवुड के वोट अभी इतने नहीं हैं, BTS के वोट ज़्यादा हैं। तो अभी हम BTS के साथ तो नहीं, बॉलीवुड वाले हमसे नाराज हो गए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी YouTube फैमिली में कोई ऐसा नहीं है जो मुझसे नाराज़ होता हो या आपसे नाराज़ होता हो, ऐसा नहीं है। लेकिन होता है कि आप जो है वो दूसरों की सुन रहे हैं, हमारी नहीं सुन रहे, तो ऐसा नहीं है जी, आपकी भी सुन रहा है और आपकी सुनी भी है, आगे भी सुनेंगे। तो जैसे जैसे काम चलता जाएगा कोई इशू नहीं है। बहरहाल आज की जो वीडियो है BTS, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। इसके बारे में मैंने ना अभी आप लोगों को कुछ बताया है और ना मैंने जो है वो थंबनेल में कुछ मेंशन किया था जो इस पे आज हम रिएक्शन देने जा रहे हैं। मैं चाहता हूँ आज आप देखें तो आपको मज़ा आए, काफ़ी सरप्राइज वीडियो है और मुझे काफ़ी अच्छी लगा, मुझे काफ़ी ये वीडियो जब इसका मैंने जो है वो लिंक ओपन किया तो मुझे देखने से बड़ी अच्छी लगी। स्टोरी है मूवी सॉन्ग में, तो पहले देखते हैं उसके बाद बात करते हैं। चलें जी, 1 2 भाई, इसकी जो थीम थी बहुत ज्यादा जो है वो जबरदस्त थीम थी सॉन्ग की, बहुत अच्छी लगी सॉन्ग भी, बहुत अच्छी, मुझे थीम बड़ी पसंद है। एक तो BTS की थीम है अपनी, जो उनके हेयर स्टाइल हो गए, उनकी ड्रेसिंग हो गई और उनका कॉम्प्लेक्स हो गया, उनकी शूज हो गए, और मतलब एक बहुत इंजॉयफुल फील होता है आपको जब आप BTS की थीम देखते हो ना, तो बड़ा इंजॉयफुल आपको फील होता है। और फिर दूसरी बात, जो सॉन्ग की इन्होंने थीम, इन्होंने जो बस के अंदर पूरा सॉन्ग शूट हुआ है, लेकिन क्या कमाल मतलब कॉम्बिनेशन हो गया इनका, और मतलब डांस तो मतलब कोई जवाब ही नहीं है, जवाब ही नहीं है, कुछ बोल ही नहीं सकते। मतलब आप जब जब जो है वो BTS की वीडियोस पे रिएक्शन देते हो तो आपको कुछ ना कुछ नया आपको देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है। और मैं तो बहुत ज्यादा इन लड़कों से जो है इम्प्रेस हो चुका हूँ, मैं बाकी इनके बारे में कुछ नहीं जानता था, लेकिन आप लोगों ने इसकी थीम मुझे बहुत पसंद है, इस सॉन्ग की स्पेशली मुझे थीम बहुत अच्छी लगी, बड़ी कलरफुल थीम मुझे अच्छी लगी, और इस सॉन्ग को मैं आज से अपनी गैलरी में ऐड करना चाहूँगा, म्यूजिक गैलरी में ऐड करना चाहूँगा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। BTS के कुछ सॉन्ग्स हैं जो जिनको जिन पे मैंने रिएक्शन दिया है, लेकिन मुझे पर्सनली वो सॉन्ग इतने पसंद आए कि मैं उनको अपनी जो है वो सॉन्ग गैलरी में मैंने ऐड किया हुआ है, और मैं डेली बेसिस पे सुनता हूँ, कोशिश कर रहा हूँ याद करने की, मुझे वो याद रहे स्टेप बाय स्टेप, तो थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन याद हो जाएंगे मुझे वो। और बाकी आप लोग बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी और इस सॉन्ग की थीम आप लोगों को कैसी लगी? और अच्छी लगी तो कोई मैं आपको नंबर्स में बता देता हूँ, 4 या 5 सब्सक्राइबर ऐसे हैं जिन्होंने इसकी रिकमेंडेशन की है, ये जो सॉन्ग पे हमने रिएक्शन दिया है, 4 या 5 सब्सक्राइबर जहाँ तक मुझे याद है, उनके नेम मुझे याद नहीं है, नेम मुझे याद नहीं है, लेकिन अगर स्क्रीनशॉट मिल गए तो मैं मेंशन कर दूंगा, और अगर नहीं भी मिला तो भी वो तो आप लोग जानते हैं, यूजुअल काम होना चाहिए, काम होना चाहिए। और बस मैंने इतना बता दिया 4 बार सब्सक्राइबर थे, वो भी मुझे थोड़ा थोड़ा याद इसलिए था क्योंकि यही इस सॉन्ग का लिंक मैंने 2 से 3 4 बार कॉपी किया था, तो शायद जब 4 बार कॉपी किया तो 4 सब्सक्राइबर हो गए, तो यही था जी, और काफी छोटा सॉन्ग था। बाकी आप हमारी फैमिली हैं, आप बताएं आप लोगों को रिएक्शन वीडियो कैसे लगी, आप लोग बताएं, कमेंट देंगे, मैं हर वीडियो में कहता हूँ कमेंट लाजमी करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। तो कमेंट अक्सर मैं देखता हूँ कि कमेंट नहीं होते वीडियो के नीचे, कमेंट नहीं होता, तो आप लाजमी, आप यूट्यूब फैमिली है, आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, तो आप बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, आप लास्ट कमेंट करके बताएं चैनल कैसा लग रहा है, हम लोग काम किस तरीके से कर रहे हैं, बिल्कुल जी आप हमें बताएं कि आपको कमेंट में जो आपको दिया जाता है कमेंट बॉक्स में, ये इसलिए जाता है क्या उसमें आप अपनी राय दें कि आपको रिएक्शन वीडियो कैसा लग रहा है, वीडियो कैसी लग रही है, क्या जो आप देखना चाह रहे हैं जो आपको नहीं देखने को मिल रहा वो चीज़ आप कमेंट करके आप बताएं, उस पर आपको दिन ब दिन बेहतरी आपको मिलेगी। मेरी तो पूरी कोशिश है कि आप लोगों को दिन ब दिन कुछ नया देखने को मिले,
और मैं अब तक नया ही दिखाया है सब कुछ। भाई देखिए, हम तो अभी आप लोगों के इशारों पे चल रहे हैं, जैसा आप लोग कहते हैं वैसा हम अभी जा रहे हैं, और अभी कुछ वक्त ऐसा भी आगे जाके आएगा जब हमारी अपनी पर्सनल रिकमेंडेशन भी होगी कि हम भी क्या चाहते हैं, जैसे आप लोग चाह रहे हैं उस पर हम आपको रिएक्शन दे रहे हैं, तो ऐसा भी होना कि हमारी भी कुछ चॉइस हो कि हम भी चाहते हैं कि उस पर रिएक्शन देना, तो वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे बिल्कुल। और जैसे 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 जर्नी आगे जाती जाएगी और लिंक्स का थोड़ा सा लोड कम होता जाएगा तो बिल्कुल लिंक्स का मुझे लग रहा है लोड बिल्कुल कम नहीं होने वाला। ना हो ना हो कोई मसला नहीं, हमारा तो इतना बड़ा मसला नहीं है, मेन मसला आप लोगों का है कि आप लोगों की रिकमेंडेशन पूरी करना, वो हमारा फर्ज है और वाजिब भी हो गया। तो जैसा जैसा आप चाहेंगे वैसा वैसा आपको देखने को मिलेगा। और जो सब्सक्राइबर डेली बेसिस पे कमेंट करते हैं हर वीडियो के नीचे उनका कमेंट होता है, तो उन सब सब्सक्राइबर का बहुत बहुत शुक्रिया, जिनके नाम तो मुझे नहीं पता लेकिन उनके चैनल के नेम ज़रूर मुझे पता है, तो मैं उनके चैनल के नेम ज़रूर मेंशन कर दूँगा कि जिन सब्सक्राइबर के डेली बेसिस पे कमेंट हमें रिसीव होते हैं, तो उन सब सब्सक्राइबर का बहुत बहुत शुक्रिया इतना प्यार देने का। और जो सब्सक्राइबर कमेंट नहीं करते लेकिन लाइक देते हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग कमेंट नहीं करते लेकिन लाइक देते हैं। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा पूरी वीडियो देखा करें ना, आप पूरी वीडियो देखा करें, ऐसा ना हो कि वीडियो शुरू होती है तो आप जो है वो रिएक्शन वाला पार्ट देखें उसके बाद पीछे गायब, तो ऐसा ना करें। ये दुकान हम जो लगाते हैं वो आप ही के लिए लगाते हैं, तो आप इस दुकान से फायदा उठाएं, पूरी वीडियो देखें आप। और बस कहने को जो था वो कह चुके हैं, आपको कुछ कहना तो आप कह सकती हैं अपनी YouTube फैमिली से। बस YouTube फैमिली से यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को ग्रो करवाएं। ग्रो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के ताबून से, आप लोग जिस तरीके से प्यार दे रहे हैं, इंडिया से जितना प्यार आ रहा है, तुर्की से प्यार आ रहा है, बांग्लादेश से, सऊदी अरब से, दुबई से, वियतनाम से और मलेशिया से प्यार बहुत सारा आ रहा है और इंडिया के तो हर कोने कोने से प्यार आ रहा है, और बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोग इतना प्यार और सपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरीके से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए ताकि आपको और हमारी यूट्यूब फैमिली प्राउड हो सके, मजे मजे की वीडियोस आप लोगों के लिए हम लेकर आ सके, फैमिली हमारी थोड़ी थोड़ी बढ़ती जाए, फैमिली हमारी बढ़ती जाए। और बस चलते हैं जी, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, दीजिए हमें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।